हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आयांस टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको लाया हूँ टेम्परेचर स्विच। जी हाँ, आप देख सकते हो ये टेम्परेचर स्विच का एक ये सेंसर है, और ये जो सेंसर है आप देख सकते हो फ्लूइड स्विच है मेरे पास। फ्लूइड मतलब ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें फ्लूइड भरा है, और ये इसका सेंसर है, ये वाल्व है, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। और ये यहाँ पर जैसे इसमें टेम्परेचर आएगा तो ये सेंस करेगा, और ये फ्लूइड को फिर प्रेशराइज करेगा, और इस प्रेशराइज के कारण आगे हमारा जो स्विच लगा है माइक्रो स्विच ऑपरेट होगा। अब ये कैसे काम करेगा, क्या सारी चीज़ें, मैं इसमें पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे पास में एक वाइब मेटलिक थर्मोमीटर भी लगाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये थर्मोमीटर है, और यहाँ पे डायरेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने की डायरेक्ट डिवाइस है, और ये स्विच है, क्योंकि टेम्परेचर स्विच है, ऐसे प्रेशर स्विच होता है ऐसे ही टेम्परेचर स्विच होता है, और ये UAE कंपनी का टेम्परेचर स्विच है। और आप देख सकते हो ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर सिलिकॉन ऑयल भरा है, और यहाँ पे एक बेलोज लगी हुई डायफ्राम है, यहाँ पे इस पर पुश करेगा जैसे ही, तो आगे हमारा मैकेनिकल अरेंजमेंट है और उससे हमारा स्विच ऑपरेट होगा। इसमें जो सप्लाई स्विच में यूज़ होती है वो मतलब सप्लाई इसको पावर देने के लिए नहीं देते हैं हमें, स्विच बस स्विचिंग कराने के लिए हमें यहाँ पर 10 वोल्ट AC सप्लाई होती है। वो जैसे ही नॉर्मल होता है तो हमारा शॉर्ट रहता है, और जैसे ही हमारा अलार्म जनरेट होगा तो ओपन हो जाएगा, तो हम ओपन अलार्म जनरेट लेते हैं। अब इसमें काम कैसे करता है ये आप देख सकते हो, ये एक फ्लूइड स्टाइल और बायोमेटलिक स्टाइल दो टाइप के स्विच होते हैं। अभी हम फ्लूइड स्टाइल टाइम स्विच की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो सामने जो था फ्लूइड स्टाइल ही प्रेशर स्विच था, सॉरी टेम्परेचर स्विच था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से, यहाँ पर आप साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर पड़ेगा इस बल्ब पे, जो इसका सेंसर मैंने बताया था आपको, प्रॉब जिसको प्रॉब भी बोलते हैं, बल्ब भी बोलते हैं, और यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर पड़ेगा तो आप देख सकते हो लिक्विड आगे प्रेशराइज हो रहा है, और प्रेशराइज होने के कारण आगे बेलोज लगी है, और बेलोज लगी होने के कारण आगे देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। ऊपर आप माइक्रो स्विच में आप देख सकते हो चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ से जैसे ही टेम्परेचर पड़ रहा है तो वहाँ पर चेंजेस हो रहा है, जैसे टेम्परेचर हट रहा है तो वापस से अपनी पोजिशन में माइक्रो स्विच आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से माइक्रो स्विच ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर स्विच कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज के होते हैं। बेस्ट मेजरेटिव फेल इनटू टू बेसिक कैटेगरी, तो जो बेस्ट जो दो कैटेगरीज हैं, एक तो फ्लूइड स्टाइल और एक बायोमेटलिक स्टाइल स्विच। तो यहाँ पे बायोमेटलिक स्टाइल की भी मैं बात करूँगा आगे, हालांकि मेरे पास जो स्विच आपको फिजिकली मैंने दिखाया वो फ्लूइड स्टाइल में था। अब ये बायोमेटलिक स्ट्रिप आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बायोमेटलिक है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है, सीधा सा यहाँ पे बायोमेटलिक या इसकी ये स्ट्रिप होती है, पत्तियाँ होती हैं, वो यहाँ पे एक्सपांड होती हैं और फिर वापस अपने पोजीशन में जाती है जैसे टेम्परेचर पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो इस टाइप से इसका ऑपरेशन होता है, इस टाइप से इसका काम होता है, और इस टाइप से ये पूरा इसका वर्किंग होती है। ऐसे बायोमेटलिक थर्मोमीटर हमारा काम करता है, सेम ऐसे ये स्विच भी काम करेगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख सकते हो, ये थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है, एक साइड है उसके माध्यम से मैंने ये लिया गया है, तो आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इससे आपको समझ में भी आ गया होगा क्लियरली। और एक लॉन्चर बॉक्स session.com करके साइड थी, उसमें से मैंने ये एनिमेशन उठाया थोड़ा सा, और इसका क्रेडिट भी मैं उसी को देना चाहूँगा, उसके माध्यम से मैं समझाने के लिए आपको ये दिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।